गाइस आज का जो ब्लॉग है ये हमारी शादी की एल्बम है उस पर ब्लॉग है, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे पोल डाला हुआ था कि सभी मुझे कंटेंट बताएं कि सभी मुझे कंटेंट बताएं मैं किस पे ब्लॉग बनाऊंगी। तो ज़्यादा मतलब कि मुझे लगा कि मैं एल्बम वाले पे बनाऊँ, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट्स भी करे थे और भी मुझे बहुत सारे कंटेंट मिले हैं, तो मैं धीरे धीरे करके मैं वो भी बनाऊँगी। बिल्कुल इस पे यार चुप करो। तो गाइस मैंने सोचा कि आज पहले मैं एल्बम दिखाती हूँ आपको अपनी शादी की, क्योंकि हमारी शादी में तब मैं तो ब्लॉगिंग गाइस ये एल्बम दिखाएगी, मैं आपको ये दिखाऊंगा। तो कुछ ऐसा सीक्रेट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाद में बताऊंगा। तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी तब, इसलिए मैंने सोचा ये क्या था। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या ज्यादा बातें नहीं करेंगे, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना एंड अगर चैनल पे हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। ये क्या, तो मेरी जिंदगी है। तो आज हम बहुत टाइम के बाद ब्लॉग बना रहे हैं ना। अच्छा फिर इनके बर्थडे वाला बनाया था, बट वो मैंने अपलोड नहीं किया, क्योंकि उस दिन लाइट ऑफ हो गई थी हमारे घर पे और बहुत कम लाइट में वो बना हुआ है। ये रिसेप्शन है गाइस, हमारी शादी हुई है लॉकडाउन में, तो शादी मतलब कि ऐसे ही हुई है टाइम पास। ये क्या है, देखो टाइम पास मतलब कि टाइम पास हो रहा है हमारा। मतलब क्या ऐसे ही शादी का मतलब क्या, बोलने का मतलब क्या, तुमने क्या बोला टाइम पास। जैसे हमारी शादी होनी थी वैसे नहीं हुई थी। कैसे की बल्कि ऐसे सीधे बोलो ना, बोलना क्या चाहते हो, सीधे बोलो ना, नॉर्मली शादी हुई थी, ऐसे जैसे बड़ा फंक्शन नहीं हुआ था, ऐसे बोलो ना। बोले टाइम पास का मतलब क्या है, कोई दिन निकाल रहे हैं क्या एक दूसरे के साथ। चलो नहीं शादी नहीं टाइम पास, फिर वो आपने बोला ही वही। ये हमारी फोटोस, ज्यादा बातें नहीं करेंगे हम, आपको दिखाते हैं। ये लड़का आपने देखा हुआ है, ये लड़की भी आपने देख रही है, ये मांगने वाली है, ये वाली बहुत अच्छी फोटो है ना। ये देखो गाइस मैं कितना हंस रही थी यहाँ पे, है ना, हंसी जा रही थी बस पूरी शादी में। अच्छा ये आ गया शमारी की फोटोस, ये हमारी इधर वाली फैमिली है पूरी, दिख रही है ना पूरे फोटोस, ऐसे रखती हूँ दिखाओ, है ना। ये उधर वाले पापा और सभी जो डिब्बा देते हैं, जब वो वाले है ना ठाकर डालते हैं, वो हमने शादी में डाला था ना। तो ये गाइस ये मेरे पापा, ये दादू एंड चाचू, ये है डैडी जी और ये मम्मी जी, ये मेरे फुफ्फू हैं और ये मेरे दादू हैं। जल्दी जल्दी से दिखाती हूँ, और ये है इनका फोटो बहुत अच्छा, ये मेरे मामू, ये मम्मा उनका। नहीं आपके मामू कौन लगते हैं मेरे, ये मेरे मामू इनके जीजू लगते हैं गाइस, और ये हमारी ताई जी और है, ये बूजी हैं, ये भी बूजी हैं, ये इनकी इधर वाली साइड वाले हैं ये, और ये भी ताई जी और गाइस। ये मेरे हस्बैंड की नानी जी है, ये मामू जी, और ये भी मामू जी, ये बड़े मामू जी, ये छोटे मामू जी हैं ना, और ये आगे शगुन वाले जो शगुन लेके भाई आते हैं, ये सब, ये मासी जी हैं इनकी, मासी जी, ये मसैया जी, ये मेरा भाई है गाइस, ये शगुन की हैं, ये आगे आपकी हरकतें हुई है, तिलक पंगे खुद लेती है गाइस। मैं जल्दी जल्दी दिखाती हूँ आपको, पता क्यों, फिर बहुत लंबी है ना, ऐसे देख लो आप, है ना। इंट्रोडक्शन अभी मैंने आपको आदों से तो करवा ली मेन मेन से, ये भी मेरी बूजी और ये मेरे फूफू हैं, ये मेरी दी और जे जीजू मेरी कज़न है, ये भी मेरी बूजी और ये मेरे फूफू हैं, ये मेरी मामी और ये मेरे मामू गाइस, इन्होंने हमारा रिश्ता करवाया हुआ है। ये बताना कौन है ये लड़की, मामी कैसे है? हाँ ये इनकी सिस्टर भी है, मामू की बेटी कज़न, तो ये मेरे मामू लगते हैं और ये इनकी सिस्टर है, इनकी शादी हुई थी फिर उनके बाद हमारी शादी हो गई।
गाइस हम आपको लव स्टोरी वाला व्लॉग भी बना के दिखाएंगे, क्योंकि उसके भी मुझे आए थे कमेंट्स की लव कौन सी लव स्टोरी, हमारी लव स्टोरी कौन सी लव स्टोरी है हमारी, वही जो भी हुआ था, जो भी लोग सोचते हैं कि हमारी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, वो हम आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है, कि लव है कि अरेंज है। हाँ, पूरी स्टोरी बनाऊंगी, कैसे हुई थी, क्या हुआ था, ये दिखा दो, ये हमारी डूंगड़ी, हिमांशी छोटे छोटे थे, हाँ बड़े हो गए, अब बड़े हो गए, ये अब आ गया घुटना, घुटना कुछ घुटना शांत होती है ना, गाइस रिएक्शन देखो, गाइस अब लॉकडाउन था, लॉकडाउन में ये सब हुआ, इधर भी करो ना यार, आपका ध्यान नहीं, ये देखो गाइस रेडी हो रहे हैं हमारे घर आने के लिए, और रास्ते में इतनी ज्यादा बारिश हो गई थी, हम आपको बता नहीं सकते है ना, गाड़ी के फूल भी निकल गए, हाँ वो आपको आगे दिखाते हैं, ये देखो क्या हो गया, तो गाइस ये देखिए, ये चालू है ना, आ गया सुरमा डालती है देवर को, बाबियां डालती हैं, ये सारी इनकी बाबियां हैं, ये मेरे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स फ्रेंड है वो मेरा, शुभू पर है, शुभू है, ये संध्या, ये इनके पापा, और ये शालू है की मम्मा, गाइस अब ये लड़का देखो, इसकी शादी करवानी है, कोई लड़की मिलेगी तो बताना यार, बस ढूंढो इसके लिए, ये देखो गाइस दूल्हा, अरे छोटा दूल्हा, ये आगे डांस, ये आगे बारात निकल रही है, जब घर से वो आ गए, ये कहां पे, ये इधर ले लेना, ये बापू घोड़े पे बिठा रहे हैं, गाइस ये गाड़ी को देखना, देखो इसे आगे जाके भी देखना, आगे जाके भी देखना क्या डिफरेंट आपको दिखता है, कंपैरिजन करना दोनों में, ठीक है जी, क्या घोड़े पे बैठे हो आप, किसी दिन वीडियो बनाएंगे इसकी, ब्लॉग में फिर दिखाएंगे, किसकी, ये वाली मोमेंट्स जब घोड़ी पे बिठाया था, घोड़ी कैसी, वो वीडियो, हाँ वो भी दिखाएंगे ना, वो दिखाएंगे, गाइस आप कमेंट करना ज्यादा से ज्यादा, गाइस अगर किसी को भी घोड़ी चाहिए होगी तो हमें इन्फॉर्म करना, हम यहाँ से स्पेशल घोड़ी भेज, बहुत अच्छी घोड़ी थी, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे ऐसे जा रही, तीन बंदों ने पकड़ के रखा, गाइस मिलनी है हमारे डैड जी और ये मेरे पापा, ये मम्मा उनकी मिलनी आ गई, और इधर मम्मा और दोनों सिस्टर्स लग रही हैं, सभी बोल रहे थे उस दिन है ना, ड्रेस भी सेम सेम डाली है, ये देखो ना, ये आ गई सालियाँ, दिखाओ सालियाँ, दिखाओ मास्क डाले हुए हैं सालियों ने, कोरोना आ रहा था, इधर भी डाला है, इसने भी डाला है, रूही ने, ये सुहाना अग्नि, ये सभी ने डाले हुए मास्क है ना, ये वाली फोटो मुझे अभी बड़ी अच्छी लगती है, ये वीडियो भी बड़ी अच्छी है उसमें, ये वाली वीडियो, ये आ गया रिबन कटिंग है ना, ये कौन है, इसकी नाक बह रही थी गंदी नहीं बह रही थी सच बताना नहीं यार गाड़ी में क्या कर रही थी साफ वो तब मैं रो बह रही थी ना बस फिर सीधे पॉइंट पे आना यहाँ पे ये बोल रहे थे मुझे अपना आधार कार्ड दिखाओ बोला था ना आपने
कितने गंदे है यार। गाइस इसका आधार कार्ड दिखाऊंगा पहले वाला आपको। वाओ गाइस देखो कितने प्यारे ये, जब मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा मुझे इतना सुकून मिला था कि मेरी इतनी बड़ी फोटो पहली बार मैंने अपनी इतनी बड़ी फोटो देखी थी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? ये फोटो भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बट उसने ब्लैक एंड व्हाइट कर दी है। ब्लैक एंड व्हाइट का क्या आ रही है, मुझे कलर में बड़ी अच्छी लगती थी ये सारी फोटो अच्छी है मेरी, ये वाली भी अच्छी। आई लव इट गाइस, सबसे बेस्ट मोमेंट ये था हमारा। सिर्फ मैंने छोटा कर दिया, वो बड़ा करना था। हाँ, इसकी मैं वीडियो ना मैं यहाँ ये इसने बड़ा लगाना चाहिए था मुझे, ये वाला फोटो इधर आना चाहिए था। ये हाँ जयमाला इन्होंने बैठ के डलवाई थी, और इसकी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी, बहुत अच्छी डाली हुई है। नहीं ब्लॉग में नहीं ना डाली, मैं ब्लॉग में भी डालूंगी शॉर्ट्स वीडियो तो डाली, क्योंकि उसने तो फोटो लिया ही नहीं है, फुल फोटो ही नहीं लिया, फुल फोटो लिया है लेकिन फोटो छोटा बनाया है। यही तो अच्छा था मुझे जयमाला में लगा था, उसने डाल लिया। हमारी फैमिली ये मम्मा पापा ये भी फुल फैमिली फैमिली आ गए जी। ये भी अच्छी है ना फोटो, ये आ गई रूही सुहाना और चाची। ये देखो हमारा शिवंशु छोटू सा, ये हमारी डूंगली मायरा, ये मेरे मामू और मामी हैं गाइस। फिर ये फोटो मुझे अपनी बड़ी अच्छी लगती है, कन्यादान वाली। बस मैं रोई नहीं थी पता, आग जाके रोई थी, इधर नहीं रोई, दांत नहीं आ रहे थे गाइस, यहाँ तो मैं हंस रही थी, यहाँ पे भी हंस रही थी पता नहीं क्यों। ये देखो गाइस मुझे जब फेरा डालने आए थे तब तो मैं गाड़ी में बैठ गई थी, जाके खुद भी सारे सारे पीछे भी गया है ना। ये भी फोटो अच्छे हैं सारे, बड़े अच्छे हैं। ये फोटो मम्मा का अच्छा है। हाँ ये भी अच्छे हमारे गाइस। देखो शिक्षा ये मैंने खुद बनाई थी, मैंने खुद बना के सुना हमारा शादी से पहले का फोटो है जब मेरा बर्थडे था वो वाला, और ये फर्स्ट टाइम तब हमारे घर आए थे ना। ये सिंदूर वाली इसलिए तो सारे बोलते हैं लव मैरिज है। हाँ इसी फोटो के पीछे तो सब यही बोलते हैं, बट किसी को इतना नहीं ना पता। यहाँ पे गाइज मैंने यहाँ पे रोना स्टार्ट किया था, यहाँ से ही मुझे रोना आया था, बस पीछे मैंने रोई नहीं, यहाँ से रोना स्टार्ट किया फिर मैं आगे रो रही थी। जहाँ पे भी मैं ज्यादा रोई थी, यहाँ पे मैं ज्यादा रोई थी पता है। ये मेरे मामू ने मुझे उठाया था गाइज, अब देखो ये मामी मुझे पानी पिला रहे हैं। ये देखो गाइस गाड़ी 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 हालत ही बिगड़ गई थी बारिश में, इतनी ज्यादा पहले बारिश थी। और गाइस आपको पता है हमारी शादी में जो हमने हॉल बुक किया था वो भी हमारा बरात वाले दिन कैंसिल हो गया था, क्योंकि ज्यादा लोगों को अलाउ नहीं था बरात में आना, तो इसीलिए वो भी हमने मंदिर में ली थी शादी, मतलब इतना ज्यादा मैं बता रही हूँ ना बेकार हुआ ऐसा। जी अभी मैं अपने घर है ना, और देखो गाइस ये क्या कर रहे थे, ये क्या मैंने किया था ये। हाँ
क्या ही ऐसा ये जीजू और शशि की शादी हुई थी तो सभी यही सोचते हैं कि इनकी शादी में मिले थे और हमारी लव मैरिज है। मैं बोल रही हूँ बाद में बताएंगे, वो भी हम अलग से व्लॉग बनाएंगे ना, फिर आपको सारी अपनी स्टोरी बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हमारी शादी हुई, क्या हुआ था, क्या नहीं। सभी सोचते हैं लव मैरिज है, तो चलो हम यही मानते हैं कि हमारी लव मैरिज है, इसी में हम बहुत खुश है कि लोग तो सोचते हैं ये फुल फैमिली फोटो, ये फोटो भी अच्छी है। और ये गाइस, ये हमने केक कट करा था, अपने रिसेप्शन भी हमने घर पे की थी क्योंकि इनका भी हॉल जो इन्होंने बुक करवाया हुआ था वो भी कैंसिल हो गया था, उसमें अलो थे, उसमें अलो थे 30 बंदे बस, इसीलिए। तो फिर हमने केक वगैरह घर पे ही कट करा था और ये स्टेज वगैरह बने इन्होंने। तो यहाँ पे मैं बहुत थक गई थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, ये फोटो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बाकी ये ऐसे ही बेकार सा कुछ बना हुआ मेरा, ये भी अच्छी है ना, गम बड़ा अच्छा लगता है मुझे। मेहंदी कितनी डार्क थी मेरी, बहुत ज़्यादा पाऊंगी मेहंदी भी बहुत ज़्यादा डार्क थी। गाइस इतना सा ही था हमारा ब्लॉग, और जिसको भी व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, एंड अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, उसमें अपनी स्टोरी बताएंगे। हाँ, उसमें हम अपनी स्टोरी बताएंगे, आप कमेंट करना कि हम आपको, अगर आप चाहोगे तो हम बनाएंगे व्लॉग, ठीक है, तो आप कमेंट कर देना नीचे, जहाँ पे DM कर देना, मेरे को मैसेज कर देना। बाय बाय, टेक केयर। बाय, टेक केयर।